नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 21 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन था दोस्तों, किसने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए हाल ही में मोबाइल बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो हाल ही में दोस्तों, भारतीय डाक ने यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस ने अपने बचत खाता जो सेविंग अकाउंट के जो कस्टमर हैं उनके लिए मोबाइल बैंकिंग की सेवा शुरू की है। तो ये था दोस्तों कल वाले वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आज के वीडियो के अंत में भी आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे के निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है वह दोस्तों, एक नई पुस्तक इंडिया इन वार्मिंग वर्ल्ड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट कब रिलीज होने वाली है? तो ये दोस्तों एक पुस्तक है जो रिलीज होने वाली है, हाल ही में कब होने वाली है? तो ये नवंबर 2019 में रिलीज होने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 2019। इस पुस्तक जब आएगी तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो ये ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित है और ये पुस्तक का कवर पेज आप देख पा रहे हैं। तो इनके लेखक कौन है, इनके बारे में जानते हैं। तो नवंबर 2019 में एक नई पुस्तक इंडिया इन वार्मिंग वर्ल्ड इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट रिलीज होने वाली है। दोस्तों इस पुस्तक में सुनीता नारायण, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर फ्रीडरिक ओटो और शिवानी घोष सहित जलवायु विशेषज्ञों के लेखों का संग्रह होगा। और इस पुस्तक नवरोज के दुबुस द्वारा संपादित एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इस किताब का जो उद्देश्य है वह कई तरह की उन आवाज़ों को एक साथ लाना है जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटना चाहते हैं। और इसमें जलवायु परिवर्तन के साथ साथ भारत के विकास की नीतियों को पर्यावरण और जलवायु के साथ बड़े परिदृश्य पर देखा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, 2 दिवसीय मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलनाथ। ये फोटो में आपको कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश का उद्घाटन इन्होंने किया, कब किया? 18 अक्टूबर 2019 को। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इंदौर में आयोजित इस सम्मेलन में कई जाने माने उद्योगपति शामिल हो रहे हैं और यह कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के अवसरों को प्रदर्शित करता है जो खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स एवं IT and ESDM और शहरी विकास एवं नवीकरणीय ऊर्जा सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया है। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। यदि आपने अभी तक हमारी PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जहाँ पर आपको इस PDF के साथ में बाकी पीछे की जितनी PDF हैं वह भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 703 AA का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में तो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी के नाम पर इसकी नाम रखा गया है। तो गुरु नानक देव जी इसका राइट आंसर हो गया। ये फोटो में गुरु नानक देव आपको दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर ये लेटर आपको दिखाई दे रहा है जो बठिंडा से MP हैं हसमित कौर बादल, उनको लिखा गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा। और इसमें लिखा गया कि जो रोड है जिसका नंबर है ये 703 AA है, इसका नाम श्री गुरु नानक देव जी मार्ग रखा गया है। तो ये जानकारी हमने आपको बता दी। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 703 AA का नाम श्री गुरु नानक देव जी मार्ग करने की घोषणा की है। यह राजमार्ग कपूरथला से शुरू होता है और सड़क गोइंदवाल साहिब को जोड़ता हुआ पंजाब के तरन तारण के पास में समाप्त होता है। दोस्तों यह नाम अगले महीने से प्रभावी होगा और यह निर्णय श्री गुरु नानक देव की 550वीं जयंती को चिन्हित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में उड़ीसा का पहला रोबोट शेफ रेस्तरा कहाँ पर खुला है?
तो हाल ही में दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में पहला रोबोट शेफ रेस्तरां खुला है। इसमें दो रोबोट हैं जो वेटर का कार्य करेंगे था वहाँ पर लोगों को वो भोजन सर्व करेंगे। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है। तो ओडिशा की स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर में ओडिशा का पहला रोबोट शेफ रेस्तरां खुला है। ये रेस्तरां दोस्तों भुवनेश्वर के इम्पो सिटी डीएलएफ टावर एरिया में खोला गया है और यहाँ भारत में निर्मित दो रोबोट हैं, वह खाना सर्व करते हैं। दावा है कि दोस्तों ऐसी सुविधा वाला ये पूर्वी भारत का पहला रेस्तरां है। और उन दो रोबोटों के नाम क्या हैं, चंपा और चमेली, इन दोनों रोबोटों के नाम हैं। वहीं दोस्तों रोबोट स्लेम तकनीक का उपयोग करके जयपुर स्थित एक स्टार्टअप में विकसित किए गए हैं और यह एक स्वचालित रूप से मनुष्यों की तरह नेविगेट करते हैं और निर्देशों का पालन करता है। दोस्तों इतना ही नहीं, खाना परोसने के बाद रोबोट आपसे ऑडियो में फीडबैक भी मांगते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। इससे पहले दोस्तों चेन्नई और बेंगलुरु ने चीन से आयातित रोबोट मशीनों के साथ स्मार्ट रेस्तरां शुरू किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भारत नवाचार सूचकांक 2019 हाल ही में जारी हुआ है, जिसका नवाचार के मामले में कौन सा राज्य वह पहले स्थान पर रहा या अव्वल रहा है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत नवाचार सूचकांक की जो तीसरी सूची जारी हुई है 2019 की, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो कर्नाटक राज्य इसमें अव्वल रहा है। तो नीति आयोग ने ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धा क्षमता के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस के साथ मिलकर भारत नवाचार सूचकांक 2019 जारी किया है। दोस्तों नवाचार के मामले में कर्नाटक अव्वल रहा है। वहीं प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश यह टॉप 10 में रहे हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश और शहर राज्यों, छोटे राज्यों में दिल्ली राज्य शीर्ष पर रहा है। वहीं दोस्तों इनपुट को आउटपुट में बदलने वाले सबसे कुशल राज्य हैं उनमें दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से रहे हैं, यानी सबसे ऊपर पूछा जाए तो कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कौन सा बोर्ड अपने 14 साल पुराने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों जो एनसीईआरटी बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड है, ये अपने 14 साल पुराने जो पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, उसमें रूपरेखा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके बारे में जानते हैं। तो एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। दोस्तों एनसीईआरटी 14 साल पुराने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एनसीईआरटी एक समिति का गठन करने की योजना बना रही है, जिसमें दोस्तों एनसीईएफ में बदलाव के साथ ही देश भर के स्कूलों में चल रही किताबें भी बदल जाएगी। और एनसीईएफ को दोस्तों अब तक 4 बार संशोधित किया गया है, जो 1975 में किया गया था, उसके बाद में 1988 में, फिर 2000 में, उसके बाद 2005 में, और 2005 के बाद में ये अब फिर संशोधित होगा। दोस्तों इस पैनल ने इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। तो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो एनएसजी के जो महानिदेशक हैं वह दोस्तों अनूप कुमार सिंह होंगे। तो ये फोटो में दोस्तों आपको अनूप कुमार सिंह दिखाई दे रहे हैं, ये गुजरात केडर के 1985 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं अनूप कुमार सिंह, जिनको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों श्री अनूप सिंह को नियुक्ति ब्लैकेट्स कमांडो बल के डीजी के तौर पर नियुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। दोस्तों ये नियुक्ति पद में शामिल होने की तारीख से 30 सितंबर 2020 तक होगी। दोस्तों एनएसजी की स्थापना आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए संघीय आकस्मिक बल के रूप में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2022 में 91वीं जो इंटरपोल आम सभा होगी उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी उसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो उसका आयोजन दोस्तों भारत में होगा और भारत इसकी मेजबानी करेगा। तो ये इंटरपोल आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत देश है ये 2022 में जो 91वीं इंटरपोल आम सभा होगी उसकी मेजबानी करेगा। दोस्तों भारत की मेजबानी का प्रस्ताव चिली के सेंटियागो में चल रही इस साल की इंटरपोल आम सभा में रखा गया है। इससे पहले साल 1997 में अब तक एक ही बार भारत में इंटरपोल की आम सभा का आयोजन हुआ था।
दोबारा जो है वह 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों इंटरपोल की आम सभा है वह सदस्य देशों द्वारा आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। इसमें सामान्य नीति को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, काम करने के तरीकों और वित्त के लिए आवश्यक संसाधनों पर प्रतिनिधियों द्वारा विचार विमर्श और चर्चा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कालिदास कर्मकार का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के निवासी थे? तो जो कालिदास कर्मकार हैं वह दोस्तों बांग्लादेश के निवासी थे, तब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों आपको कालिदास कर्मकार फोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार कालिदास कर्मकार का ढाका में निधन हो गया है। उनका जन्म दोस्तों 10 जनवरी 1946 को फरीदपुर जिले में हुआ था। उन्होंने 1969 में कोलकाता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वहीं दोस्तों ललित कला में उनकी योगदान के लिए उन्हें 2016 में शिल्प कला पदक और 2018 में बांग्लादेश सरकार के द्वारा 21 पदक से भी सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है? नासा की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच ने किसके साथ एक साथ स्पेस वॉक करके इतिहास रच दिया है? तो नासा की जो अंतरिक्ष यात्री अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें दोस्तों एक तो थी क्रिस्टिना कोच और दूसरी जो थी वह थी जेसिका मीर। तो ये फोटो में आपको क्रिस्टिना कोच और ये जेसिका मीर आपको दिखाई दे रही हैं। इन दोनों ने अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली महिला बन गई हैं। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। तो नासा की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच और जेसिका मीर ने एक साथ स्पेस वॉक करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि जब केवल महिलाएं ही अंतरिक्ष में चहलकदमी कर रही थी। इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से बाहर 7 घंटे बिताए और एक असफल बिजली नियंत्रण इकाई की जगह ले ली है। दोस्तों सुश्री कोच ने पहले 4 स्पेस वॉक किए हैं वहीं दोस्तों, लेकिन यह सुश्री मीर जो जेसिका मीर हैं इनके लिए पहला ऐसा मिशन था जो अंतरिक्ष में चलने वाली 15वीं महिला बन गई हैं। तो ये थे जो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, हिंट दे दूं, ये फुटबॉल में इसका जो अवार्ड है दिया जाता है। तो 6वां गोल्डन शू अवार्ड जीता है, किसने जीता है? रोनाल्डो ने, कियान माल्पेन और लियो मेसी ने, या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वह राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका सही होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें जिससे हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।